हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिंग किसे कहा जाता है, यानी जैसे कि हिंदी व्याकरण हम देख रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हमने देखा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्रत्यय उपसर्ग। आज हम बात करेंगे लिंग के बारे में, यानी जो कि लिंग के आधार पर ही क्या है क्रिया यानी की जाती है, या लिंग के आधार पर ही हमें क्या है बहुत सारे शब्दों का क्या है यानी बदलाव यानी किया जाता है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे लिंग के बारे में, यानी लिंग किसे कहा जाता है, लिंग की परिभाषा क्या है, या लिंग के प्रकार कैसे हैं, और दिए गए शब्द को लिंग परिवर्तन किस तरह से करना है, उनके नियमों का हमें क्या है जानना जरूरी है। क्योंकि लिंग के भी कुछ सवाल यानी दसवीं कक्षा के लिए एग्जाम में यानी पूछे जाते हैं, यानी दिए गए वाक्यों यानी पद्यांश में से क्या है यानी कुछ शब्द दिए जाते हैं उसका क्या है लिंग परिवर्तन करना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या है यानी लिंग परिवर्तन किस तरह से करना है ये भी सीखना है, और लिंग किसे कहा जाता है यानी हमें इसे भी क्या है जानना या समझना क्या है बेहद जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे लिंग के बारे में, लिंग किसे कहा जाता है यानी लिंग की परिभाषा जो है शब्द के जिस रूप से उसके मुख्य यानी क्या है शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है यानी लिंग कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या है लिंग कहा जाता है, मतलब स्त्री है या पुरुष है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ एक शब्द लेंगे यानी लड़का लड़की, यानी ये दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, यानी इन दो उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि वह यहाँ पे जो है यानी लड़का जो है यानी यहाँ पर पुरुष जाति का यानी लिंग है यानी जेंडर जिसे कहा जाता है, यानी जेंडर जिसे कहा जाता है यानी लिंग यानी जेंडर या लिंग उसे कहेंगे, यानी लड़का जो है यानी लड़का यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है यानी पुरुष जाति का क्या है बोध करा रहा है, या फिर लड़की जो है स्त्री जाति का क्या है बोध करा रही है। मतलब हमें आज देखना है कि मतलब लड़का और लड़की यानी यहाँ पर जो है यानी उदाहरण के तौर पर हमने दो उदाहरण दिए हैं लड़का भी लड़की भी, यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसी को लिंग कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से, अब यहाँ पे इसका रूप हमें बता रहा है कि मतलब यहाँ पे लड़का जो है पुरुष जाति का होने का क्या है हमें बोध करा रहा है यानी बताने का कार्य कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये पुरुष शब्द है इसीलिए हम इसे क्या है पुरुष क्या है कहा जाता है पुल्लिंग शब्द कहा जाता है इसे, यानी इसीलिए पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या है लिंग कहा जाता है। अब लिंग के फिर से यहाँ पर क्या है यानी दो भेद है, यानी हिंदी में दो है लेकिन मराठी में तीन है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, लेकिन हिंदी में दो ही प्रकार होते हैं हिंदी यानी लिंग के, यानी एक है पुल्लिंग है और दूसरा है स्त्रीलिंग है। तो हम आज बात करेंगे यानी दो प्रकारों के ऊपर और किस तरह से यानी उसका क्या है परिवर्तन करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक आदमी मान लीजिए यानी पुल्लिंग शब्द दिया गया है तो उसका स्त्रीलिंग में किस तरह से यानी परिवर्तन करना है, या फिर कौन से प्रत्यय लगने से यानी किस तरह से क्या है परिवर्तन होता है इसके बारे में हमें क्या है सीखना है। तो यहाँ पर लड़का और लड़की यानी शब्द के जिस रूप से यानी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। अब उदाहरण के तौर पर एक पूरा ही सेंटेंस लेंगे हम, रामू बगीचे में घूम रहा है, यानी रामू बगीचे में घूम रहा है यानी रामू बगीचे में टहल रहा है, यानी जो भी है यानी रामू खेत जाता है, यानी यहां पर जो है यानी रामू जो है रामू बगीचे में घूम रहा है। अब यहां पर लिंग के आधार पर ही क्रिया हुई है, यानी अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होती है, और अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होती है, या फिर बहुवचन का अगर उदाहरण है तो यानी वहां पर क्रिया क्या होती है बहुवचन में क्या है परिवर्तित होती है, यानी क्रिया जो है